देखो जी, G20 दे विच कनाडा दे प्रधानमंत्री ट्रूडो जी इत्थे साडे इंडिया दे विच आए सीगे, तां तद तक तां माहौल सारा सखावां सी, पर पता नहीं किहड़े हालात बने आ जां किहड़ी अंदरूनी किहड़ियां गल्लां जिहदे करके अज दोनां देशां दे जिहड़े संबंध आ उहनां दे विच जिहड़ी खटास जिहड़ी आ थोड़ी जी बननी शुरू होई आ। तां मैं समझदा कि जिहड़े भी आपसी मसले आ इन्हां नूं मिल बैठ के हल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खास करके जे मैं कैनेडा की गल कराँ तो कैनेडा दे विच करीब 23 लाख जिहड़े साडे नौजवान लड़के लड़कियां उत्थे पढ़न दे लई गए आ, जिहदे विच वड्डी गिनती पंजाब दी है और पंजाब दे नाल नाल दूसरे जिहड़े देश दे सूबे आ उहनां दे भी जिहड़े लखां स्टूडेंट जिहड़े आ उत्थे पढ़न लई गए आ। सो मैं समझदा कि अज साडे देश दे जिहड़े ओ माता पिता और रिश्तेदार जिन्हों के बच्चे अज फॉरन दे विच बैठे है उन्हां दे मनां दे विच बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि आने वाला जिहड़ा साडे बच्चियां दा भविख है वह उन्हूं लै के जिहड़ियां आशंकावां बनिया हुई हैं कि भविख किदां दा होएगा। सो मैं समझदा कि अज देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं, एक्सटरनल अफेयर मिनिस्टर जी नूं, सारिआं नूं जिहड़ा अज ये जिहड़ी स्थिति है ये स्पष्ट करनी चाहिए है, देश के दे लोगों को पता लगना चाहिए, गल क्लीयर होनी चाहिए है कि उन्होंने बच्चों का जोड़ा भविख है वो दूसरे देश के कैनेडा के होएगा। सो मैं समझना कि जड़ी भी कोई गल आपस कोई मिसअंडरसटैंडिंग हुई है उन्होंने बैठ के हल करना बहुत जरूरी है, ता कि जोड़ा माहौल है सुखाव बनया रहे और साढ़े जोड़े परिवार साढ़े बच्चे बच्चिया नौजवान जोड़े उत्थे रह रहे हैं उन्होंने एक सुखाव माहौल है जोड़ा इस तरीके ना जिहड़ा अग्गे भी मिलता रहे जिस तरह पिछे मिलता सी। सर, क्या इसको लेकर आपने विदेश मंत्रालय से मुलाकात करने की कोशिश करी? देखिए, मैं अज पता किया साढ़े मंत्री साहब जयशंकर जी वो अज इत्थे नहीं ने, तां जिहड़े दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी वो इत्थे दिल्ली दे विच ने, उन्हां नूं मैं रिक्वेस्ट भेजी है शायद थोड़ी देर दे विच उन्हां दा टाइम मिले तो उन्हां नाल मिल के मैं जिहड़ी लोगों की गल है जो पंजाब दे लोग पंजाब दे जिहड़े माता पिता जिन्हां दे बच्चे बाहर गए है उन्हां दीआं जिहड़ियां उन्हां दे सवाल आ जिहड़े उन्हां मंत्री साहब दे अगे रखांगा तां कि उन्हां दा पुख्ता जवाब मिल सके और सरकार है इस मामले का पुख्ता हल है जिहड़ा वह कट सके। देखो जी, महिला आरक्षण बंधन बिल है जो पास तो हो गया पर सरकार ने कुछ इहो जिहियां कंडीशनां रखियां जिस करके इस बिल का जिहड़ा लाभ है आने वाले समय च हजे कोई कोई समय सीमा तय नहीं की गई कि यदा लाभ मिलना कदों शुरू होएगा। जिहड़ियां महिलावां अज जश्न मना रही हैं वह तो भारतीय जनता पार्टी दियां जिहड़ियां अहुदेदार महिलावां उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का जिहड़ा शुक्रिया अदा किया। सो जिस दिन देश दियां आम महिलावां जदों इन्हां नूं लाभ मिलना शुरू होएगा जिस दिन वह लोग जश्न मनाणगे ता ही इस बिल का जिहड़ा असली मंतव है इस बिल का असली मकसद है वो पूरा हो सकेगा, जिदे लिए हजे बहुत समा लगन वाला है। सो इस करके मैं समझदा कि जिहड़े आने वाले चुनाव है चाहे वह लोग सभा के चुनाव है चाहे देश के जिहड़े पंज सूबे है जिन्हां दे विच विधानसभा के चुनाव होने हैं ये भारतीय जनता पार्टी नूं इस बिल का किसी तरह का कोई लाभ मिलन वाला नहीं है। देखो, अज रेलवे मंत्री जी नाल मिलिया अश्विनी वैष्णव जी नाल, बड़े सुखावे माहौल दे विच गलबात हुई, खास करके जलंधर लोक सभा नूं लै के कुछ मसले सी रेलवे दे जिहदे विच क्योंकि जलंधर एक व्यापारियां दा शहर है इंडस्ट्रीस्टां दा शहर है NRI बैल्ट है जिहदे करके दिल्ली और जलंधर की कनैक्टिविटी है बहुत ज़्यादा। सो इस करके जिहड़ी शताब्दी ट्रेन है उहदे च रिजर्वेशन है जिहड़ी फुल जांदी है। सो जरूरत सी, सो मैं अज बेनती की है कि जी वंदे भारत ट्रेन है दिल्ली टू कटड़ा इहदा एक स्टॉपेज है जिहड़ा जलंधर दे विच जरूर किया जाए ताकि साडे लोगों नूं फायदा हो सके। इहदे नाल नाल जलंधर दे विच PAP चौंक दे विच जिहड़ा पुल बनया उस पुल दे विच जलंधर तो अमृतसर वाले पासे जाण वाली जिहड़ी एक होर पुल नाल तैयार होना उहदे लई रेलवे की जिहड़ी डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए है वो भी उन्होंने सहमति देती है कि सारा मामला जिहड़ा जल्द तो जल्द हल करवाया जाएगा। तीसरा मामला सी फ्लोर नू लैके, फ्लोर हल्के दे विच नूरमैल रोड दे उत्ते
जिहड़ा रेलवे की क्रॉसिंग है जिहदे उत्ते हमेशा दिन दे विच घट्टो घट्ट अनेकां बार जिहड़ा उत्थे जाम लगता है, उहदे लई भी एक आर यू बी की जिहड़ी प्रपोजल सीगी उहदे ते भी अज मंत्री साहब ने जिहड़ा बड़ा गंभीरता दे नाल विचार किया, उहदा भी लगभग उन्होंने जिहड़ी है वादा किया कि आर यू बी है जिहड़ा असीं बहुत जल्द बनावांगे। सो रेलवे नूं लैके काफ़ी जिहड़ियां समस्यावां आने वाले समय दे विच, जलंधर कैंट का रेलवे स्टेशन बन रहा है, जलंधर सिटी का रेलवे स्टेशन है जिहड़ा वह भी बहुत जल्द जो तो सैकंड फेज़ दे विच कम शुरू होने हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के, तो उहदे विच वह भी शुरू हो जाना। सो असीं कोशिश करांगे कि जलंधर नू जिन्नियां भी जिहड़ियां सेंटर दे नाल रिलेटेड जिहड़ियां कम है उन्हां नू वख-वख मंत्रालयां दे नाल मिल के उहदा हल है जिहड़ा जल्दी तों जल्दी करवाया जाए।